क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति। पादरी वर्ग और निरंकुश शासक के जो विशेषाधिकार थे उसकी समाप्ति। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सेंचुरी में उदारवादी निजी संपत्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या करता था? स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देता था। मतलब निजी संपत्ति के जो स्वामित्व थे उसकी अनिवार्यता पर बल देता था। इतना आपको शुरू से बता दे रहे हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं। देखो, जो नेशनलिज्म का आइडिया था आपका यूरोप में, जो आपकी लिबरल नेशनलिज्म उदारवादी है, उसको बताया गया है कि यूरोप में 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में राष्ट्रीय एकता संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवाद मीन्स लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर्स पर आधारित था, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यवर्ग के लिए उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष उनकी बराबरी। राजनैतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देती थी जो सबकी सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सेंचुरी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। फिर देखिए आगे, अब देखिए क्या दे रहे। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि क्रांतिकारी फ्रांस जो था, उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनैतिक प्रयोग था। मतलब पहला राजनैतिक प्रयोग वहीं पे हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में। और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार किसके पास होता था? केवल प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। कि चुनने का अधिकार और मत देने का अधिकार किसके पास है? जिसके पास पैसे हैं, बस उसके पास है। और वहाँ पे और कोई भी अपने मन से ये नहीं कर सकता था, और बस प्रॉपर्टी ओनिंग मैन ही करते थे, ये उन्हें चुन सकते हैं और मत भी दे सकते हैं। संपत्ति विहीन पुरुष थे जिसके पास संपत्ति नहीं थी, और महिलाओं को राजनैतिक अधिकार से वंचित रखा गया था। मतलब वहाँ पे जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी इस मैंस के पास, और वुमेन्स को इस राइट्स से अलग रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जो जैकोबिन शासक के समय में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मतलब कुछ टाइम ऐसा आया था कि जैकोबिन के टाइम में तो सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार मिला था। फिर आगे है, मगर नेपोलियन की सहायता पुनः सीमित अधिक मताधिकार वापस आई। नेपोलियन की सहायता में पुनः सीमित मताधिकार वापस आए। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। मतलब महिलाओं को किसके अधीन कर दिया? कि वो अपने पिता और अपने पति के अधीन रहेंगी। और संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में, पूरे 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या था? महिलाओं और संपत्तिविहीन पुरुषों ने समान राजनैतिक अधिकार की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। मतलब बताया गया है इसमें कि आप याद करोगे, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो राजनैतिक प्रयोग पर अधिक बल दिया गया था। उस टाइम में क्या था, जो बिना जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी जिस मैन के पास, वही बस राय भी ले सकते हैं और वही वोटिंग भी कर सकते थे। जब जैकोबिन आए थे तो जैकोबिन के टाइम में सभी पुरुषों को एक बार अधिकार मिला था ये वोट करने का। लेकिन फिर नेपोलियन ने अपनी आचार संहिता लगा दी और उसने महिलाओं को ये कह दिया कि अपने पिता और पुरुष पतियों के अधीन रहेंगी, इन्हें अपना खुद का कोई अधिकार नहीं है। और अंत में 19वीं सेंचुरी के एंड और 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि जो अनप्रॉपर्टी मैन होते थे, संपत्ति विहीन पुरुष, और महिलाएं जो होती थी वो विरोध करने लगे और आंदोलन करने लगे। हाँ आर्थिक क्षेत्र में
उदारवाद बाजारों की मुक्ति, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति तथा पूंजी के आवागमन पर राज द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद किसको मानते थे? जो बाजार में से चीजें आ जा रही है एक राज्यों से दूसरे राज्यों में, उस पर नियंत्रण को खत्म कर दो। आने जाने वाली चीज़ पे जो कंट्रोलिंग है गवर्नमेंट की, उसे खत्म कर दो। 19 सेंचुरी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों को यह जोरदार मांग थी। मतलब 19 सेंचुरी के दौरान जो मिडिल क्लास के लोग थे, नए नए सामने आ रहे थे, उनकी ये जोरदार मांग थी। आइए अब हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी जो इलाके, उनका एग्जाम्पल देते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ, मतलब एक बहुत बड़ा महासंघ बन के तैयार हो गया। अब इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतौल की प्रणाली थी। मतलब अपनी अपनी मुद्रा होती थी, इनकी करेंसी होती थी, और इनके पास अपनी नाप रखने की एक प्रणाली होती थी। वो 1833 में हैम्सवर्ग से न्यूरेमवर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले हैम्सवर्ग से न्यूरेमवर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। मतलब इतने जगह से जाने के बाद उसे क्या होते थे, 11 जगह उससे कस्टम बैरियर्स लगाए जाते थे, सीमा शुल्क लगाए जाते थे, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं और वजन का या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। शुल्क अधिकतर क्या होता था, वस्तुओं, वजन और आकार के आधार पर लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतौल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का जो पैमाना था, एग्जाम्पल है ईली, ईली था, एले, कपड़े को नापने का पैमाना क्या था, एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। जो ये एले था, कपड़े नापने का पैमाना था, ये क्या होता था, जगह चेंज हो रहा है तो इनकी लंबाई भी घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट्स में खरीदा जाता तो 15.7 सेंटीमीटर मिलता, और मेज में यही 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरेमवर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइमवर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता। तो आप ये देख सक रहे हो कि एक एल कपड़ा, ये मतलब एल सेंटीमीटर जो बताया गया है, एले, हाँ, उसका मेजरमेंट सब जगह अलग अलग है। तो ये बताया गया है कि उस समय जो नेपोलियन के टाइम में 39 स्टेट्स में बांट दिए गए हैं, हर जगह की अपनी करेंसी थी, अपनी नापने की एक मेजरमेंट्स उन लोग तैयार किए थे, और जब कोई सीमा रेखा पार करता था तो हर जगह उसे कस्टम ड्यूटीज लगाए जाते थे, सीमा शुल्क लगाए जाते थे, और ये सीमा शुल्क हर जगह लगभग 5% होते थे, या फिर एक नाप, वजन या आकार के हिसाब से लगाए जाते थे। और इसमें टाइम भी वेस्ट होता था, हर जगह की अपनी अपनी करेंसी होती थी, अपनी अपनी वजन के जो मेजरमेंट्स होते थे वो अलग अलग होते थे। जैसा कि आपको एक एग्जांपल बताया गया कि कपड़े के जैसे आपके हैं एले के, तो ये इसमें क्या होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। आगे फिर है, जो नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था। एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में पक्ष दे रहा था जहाँ वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, जहाँ वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन
बिना रोक टोक के हो। मतलब बताया जा रहा है कि एक नए जो कॉमर्शियल चीज़ें हैं, कॉमर्शियल क्लासेस हैं, वो ऐसी परिस्थिति, ऐसे कंडीशन और आर्थिक विनिमय और विकास को बाधक मानते हुए एक ऐसा एकीकरण में आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में पक्ष दे रहे हैं जहाँ वस्तु, लोग और पूंजी की आने और ले जाने में कोई भी बाउंडेशन न हो। 1834 में प्रशा की पहल पर 1834 में प्रशा की पहल प्रुशा रूशिया जिसे कहते हो आप सब, 1834 में प्रुशिया की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन, वेराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में प्रुशिया की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया, मतलब टैरिफ बैरियर को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या दो कर दी, जो कि पहले 30 से ऊपर थी, इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, रेलवे चारों तरफ फैलने लगा, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण की सहायता बनाया गया, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायता बनाया गया। और उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। मतलब उस समय जो राष्ट्रवादी की भावना लोगों के अंदर हो रही थी उसे क्या किया गया, और भी मजबूत बना दिया गया। इतना समझ में आया? मतलब प्रुशिया की पहल पे जब जॉलवेराइन स्थापित किया गया तो उसमें बहुत से जर्मन राज्य शामिल हुए। अब इस संघ ने जो सभी अवरोध थे, सभी रुकावटें थी, उसे समाप्त कर दिया। करेंसी को भी सभी बंद कर दिया, बस दो तरीके की करेंसी चलाई जो कि पहले 30 से अधिक थी। अब रेलवे भी चारों तरफ फैलने लगा था, असल लोगों की हितों के लिए और नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, जिससे कि एक तेजी है, एक्टिविटीज़ आए उसे बढ़ाने के लिए काम किए गए। लोगों की जो राष्ट्रवादी भावना थी और जो उनके विचार थे उसे, राष्ट्रवाद की में जो लहर उनके मन में थी उसे भी और मजबूत बनाया गया। अब आगे हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे और न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। आज के लिए इतना ही।